सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई, अपने जद्दोजहद के साथ जिराफ करा के आते हुए। काटने के लिए हम रखा है तो मेरा दो बाया रखे थे, हाँ तो बाया पीस में काट के डालना है। पैसा पैसा बेस्ट थे मगर और मेन भी इसके ऊपर पहुंच रखा है। जैद के साथ जिराफ करा के आते हुए कौन है? देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है वैक्सीन लेने को। इसमें कोई नंबर लगा हुआ मेरे जगह पे, और ये जो ब्लू टेंट का एरिया देख रहे हैं वो वेटिंग एरिया है। इंजेक्शन लेने के बाद आपको वेट करना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग किसी राइड की तैयारी कर रहे हैं और यू विल गेट टू सी दैट राइड। सो अभी मैं आया हूँ को अपनी वैक्सीन लेने, क्योंकि मैंने इससे पहले भी नंबर लगाई थी और मैं वैक्सीन नहीं ले पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आज भी वैसे ही भीड़ है, बट आज मुझे एनी हाउ लेके जाना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराते कराते जंग जीत लिया। 10 से 11 का स्लॉट है मगर 11 से 12 के बीच में मिल रहा। सो गाइस, मुझे इंजेक्शन लेने के बाद मुझे तो कोई फीवर नहीं आई, मगर मेरे फ्रेंड को तो फीवर आ गई थी। रात में 3 बजे उसे उठ के पैरासीटामोल खाना पड़ा क्योंकि रात में उसे बहुत दलदली हो रही थी, बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था। मुझे सिर्फ हैंड में पेन हुआ था, वो भी किस वजह से हुआ था तो आप वीडियो में कंटिन्यू करिए तो आपको पता चलेगा कि मुझे क्यों फीवर, मुझे क्यों हाथ में दर्द हुआ था। सही ZEM। Done with the vaccine? धीरे धीरे मेरा रुई, मेरे हाथ में दर्द इसलिए हुआ था कि क्योंकि इंजेक्शन देने के टाइम पे, वैक्सीनेशन के टाइम पे आपको एयर निकालनी पड़ती है वैक्सीन के अंदर से, जो कि मैडम ने निकाली नहीं, मेरे इंजेक्शन में से भी नहीं निकाली। भाई के वो पता नहीं किस दौड़ में थी, हो सकता है किसी ने उनको कह दिया होगा कि गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इंजेक्शन लगाने से बन सकता है कि एक दिन में 2-3 हज़ार लोगों को इंजेक्शन ठोक दो और बन जाए। ये वीडियो मैं 5 बहुत दिन पहले बना चुका हूँ, बट इसका आउटकम मैं अभी दे रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट करनी थी मुझे। और मेरे हाथ में 5-6 दिन लगातार दर्द हुआ और क्योंकि उन्होंने एयर नहीं निकाला था। अगर आप वीडियो को दोबारा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एयर नहीं, और आप अपने इंजेक्शन लेने से पहले उन्हें ज़रूर बोले कि एयर निकालो। तो आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों नहीं मना किया इंजेक्शन से, मैंने क्यों नहीं बोला एयर निकालने को। जब तक मैं बोलता कि मैम एयर निकालिए, तब तक उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, चलो चलो हो गया हो गया। तो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स। तो वैक्सीनेशन लेने की वजह क्या थी? वैक्सीन तो लेना ही था, बट वैक्सीन लेने की वजह यह थी क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं कोई लंबी राइड की बाइक से ही, कोई बहुत दूर जो कि है यहाँ से करीब करीब 2,500 किलोमीटर। तो
उस प्लान को सक्सेसफुल प्लान बनाने के लिए हम लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया कि ताकि जाके आगे जाके कोई हर्डल्स ना आए। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट में आस्क करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। टिल देन स्टे कनेक्टेड। और हाँ, आप वैक्सीन कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं पर भी हैं, कहीं से भी हैं ले सकते हैं। आप चाहे आप यूपी से हैं मगर आप झारखंड में हैं उस वक्त में, तो आप वैक्सीन झारखंड में भी ले सकते हैं। बिकॉज माई फ्रेंड इज़ नॉट फ्रॉम माई प्लेस एंड वो कहीं और से आया था, बट फिर भी उसने यहाँ वैक्सीन ले ली। सेकेंड डोज के लिए वो कहीं और से भी ले सकता है। इसकी भी रजिस्ट्रेशन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। सेकेंड डोज का भी टाइमिंग 84 डेज हो गया है, बट वी विल ट्राई टू टेक इट इन 40 डेज और समथिंग इफ पॉसिबल देन। बेटर कम बीस को लगे।